अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग साइट। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है वो एरे को पढ़ा था, या सिंगल डायमेंशनल एरे को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे इज एरे ऑफ एरेज। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास जब दो तीन चार सिंगल डायमेंशनल एरे जो है वो कंबाइन होते हैं तो मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं। इसमें वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास जो है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होती, वो टेबुलर फॉर्म में होती है। अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज आल्सो नोन एज अ रेक्टेंगुलर एरे इन सी प्लस प्लस। इसमें जो है सी प्लस प्लस में हम इसे रेक्टेंगुलर एरे भी कहते हैं। इट कैन बी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। ये हमारे पास टू डायमेंशनल भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी डायमेंशनल इसमें हो सकते हैं। द डेटा इज स्टोर इन टेबुलर फॉर्म, रोज एंड कॉलम्स। इसमें जो है डेटा हमारे पास किस तरह स्टोर होती है, रोज और कॉलम्स की शक्ल में, टेबुलर फॉर्म में स्टोर होती है। विच इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स, इसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मल्टी डायमेंशनल एरेज में हमारे पास जो है डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है। मल्टी डायमेंशनल एरे का एक ये हमारे पास क्या है, ये रोज है और ये हमारे पास कॉलम्स है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास तीन रोज है और चार कॉलम्स है। ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स है, 0 0 0 1 0 2 0 3। इस तरह ये हमारे पास क्या है वो, ये हमारे पास रो वन नहीं है, हमारे पास रो जीरो है, रो वन एंड रो टू। तो ये हमारे पास क्या है, तीन रोज है। टू डायमेंशनल एरे, तो मल्टी डायमेंशनल एरे में हमारे पास टू डायमेंशनल एरे जो है वो क्या होती है, इसका जो इनिशियलाइजेशन है वो हम इस तरह करते हैं कि एक एरे हमने लिया इंटीजर टाइप का, इसमें जो है इंटीजर वैल्यूज जो है हम स्टोर करेंगे, टू और थ्री। मतलब क्या है कि टू हमारे पास रोज होंगे और थ्री हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये जैसा मैंने बताया था कि दिस इज एरे ऑफ एरे। तो ये हमारे पास एक एरे, ये हमारे पास दूसरा एरे, इसमें एक और ब्रैकेट भी यहाँ पर लगाना चाहिए। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, दो इसमें जो है रोज है और तीन इसमें कॉलम्स है, मतलब 1 2 3 ये कॉलम्स है और 1 2 ये दो रे जो है, ये रे और ये रे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोज है। तो इसके जो डेटा है वो किस तरह स्टोर होगा, के कॉलम वन रो वन, इसमें जो है हमारे पास टू, इसके बाद जो है हमारे पास फोर, तो वो यहाँ पर स्टोर होगा, फाइव जो है वो यहाँ पर स्टोर होगा। अब जो है दूसरी रे का नंबर है तो नाइन हमारे पास यहाँ पर स्टोर होगा, जीरो इस पोजीशन पर स्टोर होगा और 19 इस पोजीशन पर स्टोर होगा। तो टू डायमेंशनल एरे को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने कोड ब्लॉक पे मैं आता हूँ। फर्ज करें मेरे पास एक एरे, वही सेम वाला एरे लेते हैं, एंट ए ऑफ टू एंड थ्री इक्वल टू, हमारे पास क्या है, फर्ज करें थ्री फाइव टू फोर और दूसरा मेरे पास है नाइन सिक्स टू। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियलाइज हो गया। ये हमारे पास जो है एक टू डायमेंशनल एरे जो है वो हमारे पास इनिशियलाइज कर दिया हमने, जिसमें हमारे पास जो है वो टू रोज है और थ्री हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स है। तो अगर मैं इसे सी आउट करना चाहूँगा तो मैं फॉर लूफ को यूज़ करके यहाँ पर एंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन टू, आई इज़ लेस देन टू और आई प्लस प्लस। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है हमारे पास, कि मल्टी डायमेंशनल एरे में हम जो है वो नेस्टेड लूप जो है, उसका कंसेप्ट हमने पढ़ा था, नेस्टेड लूप जो है वो हम यूज़ करते हैं। मतलब ये कि ये लूप हमारे पास किसके लिए होगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ
ये पहले वाला जो है नंबर ऑफ रोज के लिए हो गया। अब नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम यूज़ करेंगे, तो एक और फॉर लूप में इसके अंदर लेता हूँ, एंट जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जे इज़ लेस देन थ्री और जे प्लस प्लस। अब इस नेस्टेड लूप के अंदर जो है हम क्या करेंगे, हम अपना वेरिएबल जो है वो शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सी आउट और ए ऑफ, अब यहाँ पर मैं थ्री और टू नहीं लिखूँगा, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा आई एंड जे। जो इंडेक्स वेरिएबल जो है, जो इंडेक्स हमने लिए इसके लिए, हम मैं उसे यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं अब इसे बिल्ड इन रन करता हूँ, तो ये हमारे जो वेरिएबल्स है 3549623 354962 ये वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। तो ये सिंपल सा था कि हमने क्या किया, एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया, टू डायमेंशनल एरे को। तो ये हमारे पास था एक मल्टी डायमेंशनल एरे, इसे हमने इनिशियलाइज कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि इसको हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ डिक्लेयर करेंगे और यूज़र से जो है वो इनपुट लेंगे। तो इसके लिए जो भी है, मैं भी नेस्टेड फॉर लूप जो है वो यूज़ करूँगा, और इस तरह सेम ही इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यूज़र से जो है मैं वो वैल्यू लूँगा पहले रोज और फिर कॉलम्स के, और यहाँ पर जो ये साइंस है ये भी मैं हटाऊँगा, और ये जो ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं से इन का जो सैम्बल है वो लगाऊँगा। तो अब से इन के थ्रू क्या हो जाएगा, हम यूज़र से जो है वो 2 3 6, तो यहाँ पर हम 6 वैल्यूज़ जो है वो लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसमें हमारे पास 6 वैल्यूज़ आएगी। सी इन सी आउट, सॉरी मैंने इसको सैम्बल तो चेंज किया लेकिन सी इन को हमने चेंज नहीं किया। 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 एंड एक आखिरी वैल्यू 6। तो ये हमारा जो है हमने वैल्यू ली और फिर हमने जो क्या कर दिया, वैल्यू को शो कर दिया। फर्ज करें यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सी आउट एंटर योर वैल्यूज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर वैल्यूज आर, अब मैं यहाँ पर एंटर योर वैल्यूज, तो ये हमने वैल्यू एंटर कर दिए और हमारे वैल्यू जो है यहाँ पर इस तरह शो हो गए। तो ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे।